आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बैर बन्ना गांव वार्ड नंबर 8 में शालिनी देवी की मौत से सनसनी फैल गई। शालिनी देवी के परिजनों द्वारा बताया गया कि पूर्व से ही मेरी बेटी पर ससुराल वालों के द्वारा अत्याचार व मारपीट की जा रही थी। इसी क्रम में आज मारपीट के दौरान ज्यादा गंभीर हालत होने के कारण जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शालिनी देवी के पति के द्वारा बताया गया कि बारिश में भीगने के कारण और पूर्व से ब्लड प्रेशर बीमारी में लिप्त रहने के कारण तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज करने के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सिंहेश्वर थाने की पुलिस की बातों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये आकस्मिक मृत्यु है, लेकिन वहीं लड़की के परिजनों द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस के जांच अनुसंधान में देरी करने पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। ये आकस्मिक मृत्यु नहीं है, ये अत्याचार और मारपीट से मृत्यु हुई है। आप लोगों ने आरोप लगाया है, क्या आरोप है? ये आशंका है कि ये लोग इलाज ठीक से नहीं करा, तो मतलब पूरा ठीक कर रहे थे वो सब, और क्या करते हैं मतलब अगर हम लोग पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, ये लोग कराने नहीं देते हैं, बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन आप लोगों को शंका कैसे हुआ, क्या कारण? यही कि जो बोल रहे थे, बोला क्या नहीं हमारा कौन कैसे हुआ घटना? देखिए सर, घटना ने हुआ 3 दिन पहले है ना, बारिश में थोड़ा गिला हुआ था, बारिश में गिला हुआ था, थोड़ा सर्दी खांसी हुआ था, तो जाके है ना हम डॉक्टर्स के पास से आए ना, उनको बेनाडी और दवा ला के दिए, बीपी जांच किया तो 5% बढ़ा हुआ था, तो टेबलेट खाने के बाद दूसरा बार जांच किए तो नॉर्मल हुआ। तो आज सुबह में जो जाँच करवाए ना, जाँच करवाने के बाद बीपी बढ़ गया, इनको है ना थोड़ा ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम था, इससे पहले था बीपी का पेशेंट था, टेबलेट रेगुलर खा रहा था, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो बोलेंगे लड़ाई झगड़ा या सिकर गिरा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं। इसकी मौत के ससुराल पक्ष से आरोप है, हाँ बोलिए, कि आपने कुछ ऐसा मेडिसिन दिया जिसके कारण तो परेशानी। अच्छा एक बात है, दिया तो आप पोस्टमार्टम तो बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद तो रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद जो न्यूज आएगा उसका हम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उन लोगों का ये शंका का क्या कारण क्या है? अरे कारण कुछ नहीं है, कारण एक ही है, देखिए हमारा परिवार है, हम परिवार को देखिए शरीर हैवी होता है, घर में अड़ोसी पड़ोसी से सब बोलेगा सुबह में उठिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, उल्टा हमको जवाब देता था। अरे हम बोलते थे अरे आपको कुछ दिक्कत होगा तो आपको ही भुगतना पड़ेगा आगे जाके, अरे हम तो जो करने का तो करेंगे, बाद में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपना है न शरीर का देखभाल करता था, हर चीज़ का मतलब आलसी ज़्यादा था, ये बीच में क्या ओबेसिटी ज़्यादा हो गया, उनको वजन बढ़ने लगा। तुम कितना वजन है? वजन सर होगा मिला जुला के 80+ ही होगा। 80+। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार मिल है, घर बरवाना वार्ड नंबर 6। जो या उसको मार दिया है टेंशन से, वो उसको मारते दिया है, हम लोग यही था उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। अच्छा, क्या परेशानी क्या बुझा रहा है? परेशानी तो उसको बहुत लग रहा है, आज से नहीं पहले से भी। अच्छा, इसका पिताजी मारा था पहले। अच्छा। ससुर मारा था, हम आए थे उस टाइम में भी इसको बहुत परेशानी दी। अच्छा, और बस हम इतनी जो देखेंगे, हम तो घर का उसका थोड़ी जो था ज्यादा। मृतक का कौन है? ए मेरा भतीजी है बड़ी वाली। क्या नाम है इसका? शालिनी देवी। घर शंकरपुर। आपका नाम? मेरा नाम सुचिता देवी। आपका घर? मेरा घर जामरा। अच्छा, के आधार की छे? हम करबे, हमरा बच्चिया के डेट मार देलके जान के। अच्छा, एकरा से पहले भी कोनो घटना भेलै? हां, बहुत करंके करके जना एकर सब मिलके करेलके। अच्छा, इससे पहले भी कोई घटना हुआ इधर क्या? नंबर 5। हाँ।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।